नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देविता पड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय में से कटौतियां। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मिस्टर महेंद्र ने अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया। मूल वेतन 12,500 रुपये प्रतिमाह, बोनस है 600 रुपये प्रतिमाह, तीसरा है उसका एक मकान है जिसको 1,250 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठाया हुआ है, मकान का नगर पालिका मूल्य 12,000 रुपये तथा गत वर्ष में नगर पालिका कर चुका है 3,000 रुपये, चौथा है मई 2019 में भारतीय कंपनी के अंशों का लाभांश प्राप्त किया 12,400 रुपये तथा बैंक में बचत बैंक पर ब्याज की आय हुई 48,000 रुपये, पांचवा है आठवीं अनुसूची में वर्णित पिछड़े राज्य में जनवरी 2004 में स्थापित किए गए उद्योग के लाभ 2,90,000 रुपए, छठा है उसने ऊंट दौड़ में 5,600 रुपए का इनाम प्राप्त किया, सातवां है उसने निम्नलिखित दान चंदे दिए, दान और चंदे के संबंध में धारा 80G के अंतर्गत कटौती दी जाती है। तो पहला है परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए बेंगलोर नगर पालिका को 15,000 रुपये, बेंगलोर नगर पालिका को दान दिया है 15,000 रुपये का, प्रधानमंत्री के अकाल सहायता कोष में 5,000 रुपये का दान दिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 10,000 रुपये का दान दिया है, अनुमोदित शिक्षण संस्था को 20,000 रुपये का दान दिया है। आठवां है गत वर्ष में उन्होंने 78,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन, राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन की छूट अगर क्रय किए जाते हैं तो उसकी छूट धारा 80C में मिलती है। तो 78,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन क्रय किया है, 52,000 रुपये 5 वर्ष के लिए अनुसूचित बैंक में अधिसूचित योजना के तहत जमा करवाए हैं और 5 वर्ष के लिए अगर राशि को जमा करवाई जाती है अनुसूचित बैंक में तो उसकी भी धारा 80C के अंतर्गत कटौती दी जाती है, तथा 24,000 रुपये सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा करवाए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी अगर पैसे जमा करवाए जाते हैं तो इसकी कटौती भी धारा 80C के अंतर्गत दी जाती है। धारा 80C की अधिकतम कटौती 1,50,000 रुपये तक दी जाती है। आठवां है एक कंपनी के दीर्घकालीन ढांचागत बॉन्ड में 10,000 रुपये का अंशदान किया, इसके लिए किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। दसवां है इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर 12,000 रुपये का ब्याज चुकाया। अगर इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदा जाता है और उसके लिए कोई ऋण लिया जाता है और ऋण पर ब्याज चुकाया जाता है तो इसके संबंध में धारा 80EEB के अंतर्गत कटौती दी जाती है। 1,50,000 रुपये अथवा चुकाया गया ब्याज, दोनों में से जो राशि कम हो उसके बराबर की कटौती दी जाती है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मिस्टर महेंद्र की कुल आय की गणना कीजिए। हमको टोटल इनकम ज्ञात करनी है मिस्टर महेंद्र की। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर महेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो कुल आय की गणना करने के लिए पहले सकल कुल आय की गणना की जाएगी और सकल कुल आय की गणना जो आय के विभिन्न शीर्षक हैं उन सब शीर्षकों की आय का टोटल सकल कुल आय कहलाती है। तो पहला है, जो पहला और दूसरा पॉइंट दिया गया है, मूल वेतन और बोनस, ये वेतन से आय के संबंध में है। तो जो पहला शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरी पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज जो आय का पहला शीर्षक है इसके अंदर इनकी बेसिक सैलरी है, इनकी बेसिक सैलरी है 12,500 रुपये प्रति माह। तो 12,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने की इनकी सैलरी है 12,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनकी 12 महीने की सैलरी है 1,50,000 रुपये।
और इनको बोनस दिया जाता है, बोनस है 600 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का बोनस है 7,200 रुपये। टोटल इनकम इनकी है सैलरी से 1,57,200। वेतन के आय में से मानक कटौती दी जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वेतन की सकल आय और 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो उसके बराबर की मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये की इनको कटौती दी जाएगी, 1,07,200 रुपये इनकी वेतन से टैक्सेबल इनकम होगी। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि उसका एक मकान है जिसको 1,250 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया हुआ है और मकान का नगर पालिका मूल्य 12,000 रुपये था, गत वर्ष में नगर पालिका कर चुकाए गए हैं 3,000 रुपये के। तो जो नगर पालिका मूल्य और जो किराया है उन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वही राशि जो है एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। तो दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आय का दूसरा शीर्षक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसके अंदर जो रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव्ड बीइंग ग्रोस एनुअल वैल्यू, क्योंकि नगर पालिका मूल्य है 12,000 रुपये और जो किराया प्राप्त हुआ है वो 1,250 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 15,000 रुपये। तो नगर पालिका मूल्य है 12,000 रुपये और जो किराया प्राप्त हुआ है वो है 15,000 रुपये का, इन दोनों में से जो राशि अधिक होती है वो राशि ग्रोस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। इसलिए रेंट रिसीव्ड जो है उसको ही हम ग्रोस एनुअल वैल्यू मान लेंगे, 1,250 को 12 से गुणा करेंगे तो 15,000 रुपया जो है इनका ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी, और ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्सेस घटा दी जाएंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस 3,000 रुपये के। म्यूनसिपल टैक्सेस घटाने के बाद में जो एनुअल वैल्यू आ रही है मकान की वो है 12,000 रुपये, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मकान संपत्ति के आय में से भी मानक कटौती दी जाती है और वो दी जाती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू का 30% दिया जाता है, तो 12,000 का 30% हो गया 3,600 रुपये, 3,600 रुपये। तो 12,000 में से 3,600 माइनस कर देंगे तो 8,400 रुपये मकान संपत्ति से आए है मिस्टर महेंद्र को। तीसरा शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो इनको इन्होंने एक जो पांचवा पॉइंट है, 8वीं अनुसूची में वर्णित पिछड़े राज्य में एक बैकवर्ड स्टेट है उसमें एक इन्होंने उद्योग लगाया हुआ है और उससे इनको लाभ हुआ है, तो ऐसा लाभ इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा, प्रॉफिट्स फ्रॉम एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है इन बैकवर्ड स्टेट, एक अनुसूचित राज्य, एक पिछड़े राज्य में इन्होंने एक इंडस्ट्री लगाई हुई है जिसके लाभ हुए हैं 2,90,000 रुपये के, तो ये लाभ इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा इनका। और चौथा पॉइंट है इनको भारतीय कंपनी से अंशों पर लाभांश प्राप्त हुआ है, अंशों पर अगर लाभांश प्राप्त होता है तो ऐसा लाभांश 10,00,000 रुपये तक करमुक्त होता है, बैंक में बचत बैंक जमा पर ब्याज की आय हुई 48,000 रुपये। अगर बचत बैंक खाते में कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उस पर 10,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर 10% TDS काट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह जो राशि दी गई है ये राशि सकल दी गई है। अगर यहाँ पर बैंक जमा पर ब्याज प्राप्त हुआ लिखा होता इसका मतलब कि इनको 48,000 रुपये प्राप्त हुए हैं जिन पर TDS काटा गया है, तो फिर इसको सकल बनाया जाता, लेकिन ये जो राशि दी गई है पूरे संपूर्ण ब्याज की सकल राशि दी गई है, तो इनको 48,000, तो इनको बचत बैंक खाते में जो जमा था, राशि जमा थी उस पर ब्याज की आय हुई 48,000 रुपये। और छठा पॉइंट लिखा है कि उसने ऊंट दौड़ में 5,600 रुपये का इनाम जीता,
तो अगर आकस्मिक आय 10,000 रुपये से अधिक की होती है तो उस पर 30% उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो आय है 5,600 रुपये ये 10,000 से अधिक नहीं है, इसलिए ये इसको सकल बनाने की आवश्यकता नहीं है, 5,600 रुपये उनके इनकी इनाम की राशि है। तो चौथा पॉइंट और जो छठा पॉइंट है ये दोनों इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल की जाएगी। तो चौथा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य साधनों से आय, इसमें डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है, लाभांश जो प्राप्त होता है वो 10,00,000 रुपए तक कर मुक्त है। तो एक तो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और दूसरी इनकम है विनिंग फ्रॉम कैमल रेस, ऊंट दौड़ से जो इनको राशि प्राप्त हुई है। तो 48,000 रुपये इनको ब्याज की आय हुई और 5,600 रुपये जो है ऊंट दौड़ में इन्होंने इनाम की राशि जीती है। तो 48,000 प्लस 5,600 कुल मिलाकर है 53,600 रुपये इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इन सभी जो शीर्षक हैं, शीर्षक की आयों का अगर टोटल किया जाए तो 1,07,200 प्लस 8,400 प्लस 2,00,000, 1,07,200 प्लस 8,400 प्लस 2,90,000 और प्लस 53,600 कुल मिलाकर 4,59,200 रुपये मिस्टर महेंद्र की आय है और ये कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो जब हमने इस चैप्टर का परिचय पढ़ा था तो हमने बात की थी कि पहले करदाता की सकल कुल आय ज्ञात की जाती है, सभी शीर्षकों की आय का टोटल कर लिया जाता है और वो आय सकल कुल आय कहलाती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम इनकी है, ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर महेंद्र की है 4,59,200 रुपये और सकल कुल आय में से फिर धारा 80C से लेकर 80U तक की कटौतियां दी जाती है और कटौतियां घटाने के बाद में जो राशि प्राप्त होती है वो टोटल इनकम कुल आय कहलाती है।